हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है माइक्रो स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहली बात तो ये माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या चीज़ है। देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, अगर उसका जो कुल इन्वेस्टमेंट है मशीनरी और प्लांट पे अगर 25 लाख से कम का है तो कहलाती है माइक्रो, और अगर वही इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ का हो तो कहलाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और वहीं अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो तो उसे हम कहते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक, देखिए जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि प्रेजेंट की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस अपना उसका ज़्यादातर फोकस माइक्रो स्केल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा कि जॉब इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, काफ़ी सारे इंडिया की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन इससे इसमें MSME से जुड़ी हुई है, और ये जो MSME सेक्टर है ये GDP को 37.5% कंट्रीब्यूट करता है, पूरे GDP का 37.5% कंट्रीब्यूट करता है, और वही एक्सपोर्ट का वही हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 40% शेयर जो है वो MSME द्वारा ही होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। देखिए, अगर मैं आपको एक स्टैटिक दूँ तो ये कुछ ऐसा है कि यदि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक जॉब है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितनी जॉब जनरेट कर रहा है, 27, मतलब 1:27 के रेशियो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 27 इंडिया के 27 पीपल वन पीपल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो 27 पीपल किस में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, और दूसरी बात और तीसरी बात ये भी है कि MSME सेक्टर में जो माइग्रेशन है लेबर का जो लेबर जो है वो एक गांव से दूसरे शहर जाती है रोजगार के लिए या किसी अन्य कामों के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे कार्य जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो, तो उनका जो माइग्रेशन हो रहा है वो भी रुक रहा है। रूरल से जो अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन हो रहा है उसे MSME सेक्टर ने काफ़ी हद तक कम किया है, जिससे हमारे अर्बन एरियाज़ में जो बढ़ने वाला प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। अगर मैं आपसे देखिए, डेफिनेटली MSME सेक्टर में पोटेंशियल बहुत है, काफ़ी अच्छा सेक्टर है, पर ये उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहा। तो जो ग्रो नहीं कर पा रहा तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक स्किल्ड लेबर, एक होता है स्किल्ड लेबर, वो नहीं, वो दरअसल वो नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है एट अफोर्डेबल प्राइस। देखिए, MSME सेक्टर जो है वो बहुत, इसमें जितनी भी जो कंपनीज जो है जो MSME सेक्टर से जुड़ी हुई हैं उनका एनुअल टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं है। जब उनका एनुअल टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो हाईली स्किल्ड लेबर को अपने यहाँ जॉब दे सकते हैं, क्योंकि बट नेचुरली हाईली स्किल्ड लेबर को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो वो MSME सेक्टर उतना नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक, लेकिन मैं आपको इस बात और बता दूँ, यही एक ऐसा सेक्टर है, MSME एक ऐसा सेक्टर है जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों काम करते हैं, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है MSME का, क्योंकि MSME सेक्टर दोनों स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों तरीके के लेबर्स को जॉब देता है। ठीक, जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो MSME को इतनी जल्दी लोन्स नहीं देते। ठीक है, तो ये भी अगर उनके पास लोन्स नहीं है तो उनके पास एक्सपेंशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, सो फाइनली ये भी दूसरा उनके लिए कंसर्न है। ठीक, ऑब्वियसली उनके पास इक्विटी कैपिटल भी नहीं है, ठीक है, ये हाई कॉस्ट इक्विटी कैपिटल भी नहीं है या, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है डेफिनेटली, अगर उनके पास कैपिटल ही नहीं है, सो दैट मीन्स उनके पास बिजनेस को और ग्रो कराने के चांसेस भी काफ़ी कम है। ठीक है, या अगर क्रेडिट है भी तो उसके ऊपर लगने वाला जो टैक्स है, सॉरी टैक्स नहीं, मतलब जो इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि वो अगर वो चाहे भी तो ले भी नहीं सकते लोग, तो ये एक दूसरा कंस्ट्रेंट है।
वही इनके पास इन दोनों से क्या है, जब इनके पास कैपिटल कैपिटल अवेलेबल ही नहीं है, जब इनके पास कैपिटल ही नहीं है तो उससे है क्या, उनके पास कोई भी मॉडर्न टेक्निक नहीं है। एयू का वो मॉडर्नाइजेशन कर ही नहीं सकते, उनके पास कैपिटल नहीं है, या वो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर ही नहीं आ सकते, ठीक है, वही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से उन्हें काम चलाना है क्योंकि कैपिटल उनके पास नहीं है, ठीक, तो मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते और मॉडर्नाइजेशन के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी उनके पास है ही नहीं, क्यों, क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो इनकी ग्रोथ है वो भी डिक्रीज होती है, वो भी डिक्रीज होती है, प्लस इनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, अगर वर्ल्ड लेवल पे इन्हें कॉम्पीट करना है तो वो कर ही नहीं सकते, ठीक है, अगर एक क्यों, क्योंकि उस हिसाब से उनकी क्वालिटी, उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अपग्रेड हो ही नहीं पाती, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस भी उनमें कम होती है और कहीं उनकी जो ग्रोथ है वो भी डिक्लाइन हो रही है। देखिए ऑल्दो ये 40% एक्सपोर्ट का तो कर ही रहा है, जैसा मैंने आपको बोला पहले भी ये 40% एक्सपोर्ट करता ही है, लेकिन विद टाइम जो है, जो विद टाइम एंड विद टेक्नोलॉजी जो क्वालिटी का पैरामीटर्स है वो भी तो अपग्रेड हो रहा है। फाइनली उनके पास जब नई टेक्नोलॉजी है ही तो उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो ही कम हो रही है, तो इससे अगर वो नई टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं आएंगे तो एक समय के बाद ये जो 40% एक्सपोर्ट है जो अभी कर रहे हैं ये भी कम हो सकता है, ठीक है, ये भी कम हो सकता है, ठीक। और जो लास्ट इशू है या हम कहें जो लास्ट प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं, देखिए इनको रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट में भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। उसका कारण क्या है कि एक तो उनमें अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर उनमें अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, दूसरी चीज़ उनके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और ऑब्वियसली फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस कहाँ से उन्हें मिलेगा, या उनके या जो रॉ मटेरियल वो प्रोक्योर करना चाहते हैं उसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका भी कारण क्या है, लैक ऑफ कैपिटल। सो लैक ऑफ कैपिटल से हम देख सकते हैं कि यस उनकी टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड है, क्यों, क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन कर नहीं पा रहे हैं। फाइनली उनके पास फाइनेंस या कैपिटल ना होने के पास के कारण उन्हें जितनी मात्रा में रॉ मटेरियल चाहिए वो उतना प्रोक्योर कर ही नहीं पा रहे हैं। सो ठीक है, और हाँ, कैपिटल नहीं होने के कारण उनके पास वो हाईली स्किल्ड लेबर्स को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी समस्या जो है बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम जो एमएसएमई सफर कर रहा है वो कैपिटल की है, पूंजी की, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया बैंक लॉन्च किया, मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक क्या करेगा, बेसिकली ये बैंक मुद्रा बैंक इनिशियली सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई सेक्टर पर ही कॉन्सेंट्रेट करेगा, ये करेगा, ये एमएसएमई सेक्टर पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको 20,000 करोड़ का कॉर्पस फंड दिया है, ठीक है, 20,000 करोड़ का कॉर्पस फंड दिया है, और इस कॉर्पस फंड में ये बात गारंटीड है कि ये बैंक 3,000 करोड़ तक का, 3,000 करोड़ तक का क्रेडिट देगी किसको, एमएसएमई सेक्टर, 3,000 तक का क्रेडिट होगी एमएसएमई सेक्टर को, ठीक। अब इसके बेनिफिशियरी कौन कौन से होंगे, देखिए इनके बेनिफिशियरी होंगे जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जितने, वो रिटेलर और कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति मुद्रा बैंक से एमएसएमई सेक्टर से जुड़ने के लिए, वो बैंक एमएसएमई सेक्टर से जुड़ने के लिए या ऑलरेडी उसका एमएसएमई उसकी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको अपग्रेड करने के लिए, या उसमें किसी भी प्रकार का रीफाइनेंस, अगर उससे जुड़ा कोई भी रीफाइनेंस चाहता है तो डेफिनेटली वो मुद्रा बैंक से जाके लोन ले सकता है, ठीक। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं, तो देखिए इनिशियली बैंक आपको 3 तरीके के लोन दे सकता है, शिशु 50,000 तक का, किशोर 50,000 से 5,00,000 तक का, और तरुण 5,00,000 से 10,00,000 तक। तो 3 तरीके के लोन इसमें ऑफर किए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, क्या मुद्रा एक गेम चेंजर हो सकता है या इकोनॉमी में, या हम कहें कि जो भी प्रॉब्लम्स चल आ रहे हैं ये हमारी सोसाइटी में या फिर एमएसएमई सेक्टर में, क्या उसे वो उन प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है,
तो देखिए अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो यस ये कर सकता है। देखिए हमारे यहाँ मैक्सिमम जो बैकवर्ड क्लास है वो जो गांव में रहता है वो काफ़ी तरीके के पेटी जॉब्स करता है, बहुत छोटे तरीके के जॉब्स करता है। यदि गवर्नमेंट या आप ये भी कह सकते हैं कि वो और जॉब्स करता है या पेटी जॉब्स करता है, तो यदि गवर्नमेंट उसको ऑन टाइम या उसे लोन प्रोवाइड करा दे जिससे वो एक प्रकार का छोटा उद्यमी, एक स्मॉल एंटर, उसके अंदर एक छोटा उद्यमी या वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, सो डेफिनेटली वो उस टाइप के और जॉब्स नहीं करेगा। और वो क्या करेगा कि वो और लोगों को भी जॉब्स देगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो बैकवर्ड क्लास की, स्पेशली जो बैकवर्ड क्लास है उसका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ेगा और फाइनली उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम इंक्लूसिव ग्रोथ का एक ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर पाए इधर से। ठीक, सेकेंड देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव के क्षेत्रों में ज़्यादातर वीमेंस भी मेन्स के संग मिलकर जो भी उनका ट्रेडिशनल काम है उसमें योगदान देती है। ठीक है, वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर किसी तरीके से अगर वीमेन को एज अ एंटरप्रेन्योरशिप की तरह इंकरेज किया जाए या प्रमोट किया जाए तो उससे क्या होगा, अगर वो इंकरेज होगी एज अ एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए या अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने के लिए, तो डेफिनेटली जो आज की डेट में वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं उसको और स्ट्रेंथ मिलेगा, मतलब महिला सशक्तिकरण को और मजबूती मिलेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें यहाँ पे जो इंक्रीज है एक्सपोर्ट और बूस्ट, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा और जो जीडीपी में बूस्ट है वो भी होगा। देखिए यहाँ पर बात कही, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बोला था कि ये 37.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी का और 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट के यहाँ पर। सो डेफिनेटली देखिए मुद्रा बैंक से गवर्नमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपोर्ट है उसे 60% बूस्टअप करना है, 60% तक लेकर जाना है। मतलब एमएसएमई सेक्टर में ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका कुल 60% कहाँ जाना चाहिए एज अ एक्सपोर्ट के तरीके से। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली हमारी GNP भी बढ़ेगी और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी तो ग्रोथ होनी ही होनी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखें जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। देखिए फोर्थ पॉइंट के हिसाब अगर हम देखें तो फोर्थ पॉइंट में से हम ये कहना चाहते हैं कि ये बेटर है कि गवर्नमेंट जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दें जिससे कि वो किसी प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकें। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में सरकार के ऊपर सब्सिडी के नाम पर पड़ने वाला बर्डन भी कम हो जाएगा।